नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ममता शर्मा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे आहा जिंदगी, जो कि एक खाना बनाने से रिलेटेड चैनल है। तो मैं ये बोलूंगी आपको कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, तो देखिए, मैंने एक गोभी ली है, उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया, इसके कीड़े वगैरह आप मेक श्योर हो जाए कि इसमें कीड़े वगैरह ना हो। और इसके साथ ही मैंने लिए हैं 3 आलू जो कि मैंने उबाल लिए हैं। तो चलिए इसको ग्राइंड करते हैं। तो मैं गोभी लेके इसको थोड़ा सा मैं कद्दूकस कर लूंगी, ये देखिए इस तरह से। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अच्छी गर्म होने देंगे और ये जो मैंने सारी गोभी है वो मैंने मिक्स करके रख ली है और मैं आलू भी इसी में मैश कर दूंगी, ये इस तरह से। आलू भी इसी के अंदर अच्छे से मैश कर दूंगी मैं, ये देखिए ऐसे। तब तक हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई में तेल डालेंगे, बस इतना। तेल गर्म होने देंगे। ये जो गोभी के पराठे हैं बहुत टेस्टी बनते हैं और सर्दियों में तो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और सर्दियों तो वैसे पराठों का टाइम ही रहता है, आलू के पराठे, पालक के पराठे, ये सब। देखते हैं हमारी कढ़ाई गर्म हुई कि नहीं। कढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं ताकि चारों तरफ होके तेल अच्छे से गर्म हो जाए। कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा डाल के देख लेंगे कि हमारा तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तेल गर्म होने लगा है, हम जीरा डालेंगे एंड ऑफ कोर्स राई डालेंगे। राई को तड़कने देंगे, राई अच्छे से तड़कने लगी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो हरी मिर्चियां हैं, 5-7 करीबन हरी मिर्चियां हैं, वो मैंने काट के रखी है और बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा हरी मिर्चियां डालिए और अगर कम तीखा चाहिए तो थोड़ी कम हरी मिर्चियां डालिए। मुझे और मेरी फैमिली वालों को थोड़ा तीखा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च डालूँ। तेल पे हरी मिर्ची फ्राई होने से हरी मिर्ची का सारा जो तीखापन है वो ऑयल में आ जाता है। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो गोभी जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी वो डाल इस तरह से। और दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ ऐसा कुछ लगे कि मुझे बोलने में थोड़ी सी मैं थोड़ा अभी वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे थोड़ा सा खुद को अजीब लगता है, लेकिन क्या मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी और आप जो भी मेरी कमी हो वो आप मुझे बता सकते हैं। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी मैं ताकि इसका कलर अच्छा आए, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च, ये सब मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा तीखा बनाना है इसलिए मैं थोड़ा लाल मिर्ची एक्स्ट्रा डालूंगी। और ये नमक भी जो मैंने ऐड कर दिया इसमें। इन सबको मिक्स कर लूंगी और इनको थोड़ा सा पकने दूंगी, गोभी भी सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो पराठा वो पक ही जाएगी लेकिन अभी हमें मसालों के साथ भी पकानी है। Thank you.
गैस की फ्लेम कम रखूंगी। गोभी सॉफ्ट हो गई है थोड़ी सी, तो इसको 5 मिनट गैस ऑफ करके 5 मिनट इसको किसी चीज से ढक के मैं रख दूंगी। ये देखिए ये जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है। ये मैंने हरा धनिया काट के रखा है, ठंडा होने के बाद में मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूँगी। और ये आटा है, ये जो मैंने पहले ही लगा के रख रखा था वैसा ही सिंपल आटा है जैसा हम नॉर्मल रोटियों का आटा बनाते हैं। देखिए अब मैं आपको पराठा बनाना सिखाती हूँ। गैस ऑन करेंगे, तवा रखा, ये जैसे लिया थोड़ा सा आटे की एक बोल बनाई इस तरह से, हाथों को थोड़ा चिकना कर लेंगे अगर आटा अगर हाथों पे चिपकता है तो। आटे की एक बोल बनाई ऐसे इस तरह से, बोल को अपने दोनों अंगूठों से हल्के हल्के प्रेशर से दबाते हुए इसको फैला लेंगे। और फिर थोड़ा सा जो ये रेडी किया है हमारा जो मिक्सचर गोभी के पराठों की जो फीलिंग स्टफ करना हमें, ये ऐसे इस तरह से ऐसे कर लिए। और फिर इसके बाद में दोनों हाथों से दबाते हुए इसके जो साइड्स हैं जो कॉर्नर्स हैं आपस में मिला देंगे ऐसे अंगूठे की सहायता से। ये ऐसे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं रोटी उसे थोड़ा हल्के हल्के हाथों से करेंगे वरना पराठे क्या क्रैक हो सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा पराठा ऑलमोस्ट बन गया। तवा शायद हमारा गर्म हो गया है, देखिए ऐसे। अब हम इसको सेकेंगे इस पराठे, पता नहीं इसको मैं अभी बिल्कुल धीरे धीरे इस पर सेकना है आपको धीरे आंच पे। और ये पराठे खाने में बहुत टेस्टी है बनते हैं। चेक करते रहना है हमें, इस तरफ से थोड़ा हल्का हल्का सीज जाए तो इसको पलट देना है। यस देखिए कितना आगे से हमें थोड़ा हल्का सेकना है और पीछे से हम थोड़ा ज्यादा सेकेंगे ताकि हम पलट के वापस से ऑयलिंग करते समय फिर से वो कर ले। देखिए इस तरह से ये पीछे से भी सिक गया है। अब हम इस पे तेल लगाएंगे, ये ऐसे पहले स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा आगे से तेल लगा लिया पलट के। देखिए हमारा पराठा, इसको धीरे धीरे सेकना है धीमी आंच पे करके, नहीं तो ये पराठा क्या जल जाएगा। ये हमारा पराठा बनके रेडी है, अब हम इसे प्लेट में ले लेंगे। गोभी का पराठा तो ऑफ कोर्स दही तो बनता ही है। ये देखिए हमारा गोभी का पराठा बनके बिल्कुल रेडी है।